हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊंगी होटल और रेस्टोरेंट में बनने वाले क्रिस्पी चिली पोटैटो की रेसिपी। तो मैं सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू को धो लिया है, और धोने के बाद हम इसको अच्छे से छिल लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस तरीके से इसको छिल लिया है। तो अब जो हम पोटैटो की कटिंग करेंगे उसे फ्रेंच फ्राइज के शेप में करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे किस तरीके से काटा है। तो अब मैं इसे पानी में रखकर इसे अच्छे से धो लूँगी ताकि इसका कलर डार्क ना हो जाए। तो हमें इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। तो मैंने आलू को धो लिया है, तो अब मैं पानी को ड्रेन आउट कर लूँगी। तो अब बारी आती है इसको बॉयल करने की। तो सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रखा था, और अब हम उसमें 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। और जब पानी गर्म हो जाए तो हम उसमें कटे हुए आलू को ऐड कर लेंगे। तो पानी में रखने के बाद हमें इसे लगभग 80% ही बॉयल करना है, यानी कि 8 से 10 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे। तो जब तक हमारा आलू बॉयल होगा तब तक हम आगे की प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च को काट लिया है, और अब मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को भी कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में कट किया है। और अब मैंने यहाँ 1 शिमला मिर्च को कट किया है, और यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ को फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 टुकड़ा अदरक का भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि आलू हमारा पक चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आलू काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था कि हमें इसे 80% ही पकाना है, तो मैंने इसे 80% ही पकाया है। तो अब हम इसे गर्म पानी से निकाल कर इसको ठंडे पानी में रखेंगे ताकि ये इससे ज़्यादा ना पके, क्योंकि गर्म पानी में रहने से भी ये कुछ देर तक पकते रहता है। तो हम इसे ठंडे पानी में रख लेंगे, और लगभग 5 मिनट तक रखने के बाद हम इसे ठंडे पानी से भी निकाल लेंगे। और मैंने इसे निकाल कर यहाँ पर प्लेट में रख लिया है। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कोटिंग के लिए 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर रखा है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं होगा तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मैदा का यूज़ किया है। मैदा का यूज़ करने से वो काफ़ी क्रिस्पी होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ इसकी कोटिंग के लिए। तो अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर लेंगे, और अब इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे मिलाएँगे ताकि ये टूटे ना, क्योंकि आलू हमारा 80% तक बॉयल है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कोटिंग पूरी हो चुकी है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है, तो अब मैं पहले से चेक कर लूँगी कि ये तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। तेल को सबसे पहले हमने हाई फ्लेम में गर्म कर लेना है, और उसके बाद लो फ्लेम करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर कोटिंग किए हुए आलू को ऐड कर लिया है, और बीच बीच में हम इसे दूसरी साइड पे पलटते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब हमारी पोटैटो फ्राइज रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे पोटैटो फ्राई कर लिया है। तो आप इसकी आवाज़ को सुनकर समझ सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। तो अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने फिर से उसी पैन को गर्म किया है, और अब हम उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल रखेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पे हम उसमें लहसुन ऐड करेंगे, और लहसुन डालने के बाद हम उसमें कटा हुआ अदरक भी ऐड कर लेंगे। इन दोनों को हमें अच्छे से मिलाते रहना है, और 2 मिनट के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। मैंने इसे भी अच्छे से मिला लिया है। तो इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें प्याज भी ऐड कर लेंगे दोस्तों, और इसे भी अच्छे तरीके से मिलाना है और 2 मिनट तक पकने देना है। दो मिनट के बाद हम इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च ऐड कर लिया है, और इसे भी हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो
तो हम इसे अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। कुछ देर तक पक जाने के बाद हम इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड किया है। वाइट विनेगर ऐड कर लेने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड किया और मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून चिली केचप ऐड किया है, क्योंकि हम चिली पोटैटो बना रहे हैं तो यहाँ पे चिली थोड़ा ज़्यादा आएगी। और इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे। हम नमक इसमें हम कम ही यूज करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और अब मैं इसे अच्छे से मिलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। कुछ देर तक फ्राई करने के बाद हम इसमें अरारोट का घोल ऐड कर लेंगे। अरारोट का घोल ऐड करने के बाद हम इसे तुरंत मिला लेंगे, नहीं तो क्या होता है कि ये नीचे जमने लगता है और इसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ थोड़ा पानी ऐड किया है और इसे बॉयल होने तक हमें अच्छे से पकाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉयलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा बॉयल आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें फ्राई किए हुए आलू को ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे 2 मिनट तक सॉटे करना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्स्चर कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिल चुका है और इसका कलर तो आप देख ही रहे हैं पर इसका टेस्ट भी एकदम बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। तो इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे गैस ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चिली पोटैटो बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है हमारी गर्मा गर्म चिली पोटैटो। तो याद रखिए दोस्तों, इसे हमें गर्मा गर्म ही खाना है, ठंडा खाने में इसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए बाय बाय।